देखिए 26/2 को एक ट्रैक्टर लूट हुई थी जो थाना अस्नेरा क्षेत्र से हुई थी, और 4 दिन बाद 2/3 को एक दो जो चेसेस हैं ट्रक के उनकी लूट हुई थी, और दोनों ब्रेजा गाड़ी लगा कर ये लूट हुई थी। इस संबंध में इन्हें वर्कआउट करने के लिए एसपी वेस्ट साहब के निर्देशन में एक ज्वाइंट टीम बनाई गई थी, जिसमें अस्नेरा मलपुरा के थाना अध्यक्षों की टीम थी, एसओजी टीम थी और सर्विलांस टीम थी। इन सबकी एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। सीओ साहब इसका पर्यवेक्षण कर रहे थे। इसमें आज ये सफलता इन्हें मिली है, जिसमें ट्रैक्टर की बरामद हुई है, 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उनके पास से 2 तमंचे मिले और गुरेजा गाड़ी मिली है जिससे लगाकर लूट की गई थी। ट्रक भी मिल गया है, दोनों ट्रक मिल गए हैं, चेसिस मिल गए हैं और ट्रैक्टर की बरामदगी हुई है। ये सब लोग नूह जिले के रहने वाले हैं, हरियाणा के, और ये इस तरह की वारदातें किया करते थे, शातिर अपराधी हैं। इनके अभी कुछ अभियुक्त गिरफ्तारी जिनकी शेष है, जिनसे और भी घटनाओं की को जो दूसरे जिलों की हैं उन्हें वर्कआउट होने की उम्मीद है। इनके अपराधी कितने से हैं? इनका अपराधी इतिहास की अभी जानकारी की जा रही है, और अभी और आपराधिक इतिहास जब कलेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये शातिर अपराधी हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, और जगह भी इन्होंने की है। अभी उसका डिटेल खंगाला जा रहा है और जब वो सब कलेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको बताया जाएगा। वेल नोन गैंग है ये हरियाणा का? ये बिल्कुल वेल नोन गैंग है, और इससे पहले भी ये इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं नूह जिले के कई गांव ऐसे हैं जिसके अंतर्गत ये इस तरह की वारदात करने वाले, एटीएम काटने वाले, ट्रकों के वाहनों की लूट करने वाले, ट्रकों की लूट करने वाले, इस तरह के गैंग्स वहाँ पर हैं, और कई पूरे गाँव इस तरह की वारदातें करते हैं। तो ये एक निश्चित रूप से बड़ी सफलता है, और पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई।